चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सर ना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो यार, वो था, वो बड़ा जबरदस्त अदाकार था यार, बहुत बड़ा अदाकार यार, वो उसने लड़कियां भी बहुत चोद। क्या बोला? गालिब फिल्म देखी आपने? मैं नहीं बताऊंगा। आप कुछ बता नहीं रहे हो यार मुझे। मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ चावल बनाऊंगा। चल, हम तो ठहरे परदेसी है अगर दुश्मन दुश्मन। अनु मलिक जी क्या कहना चाहते हो आप इस बारे में? तू आग लगा देगा, तू आग लगा देगा, आग लगा देगा तू। 15 साल से रमजान ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, हराम है जो रमजान ट्रांसमिशन का कोई 1 रुपया भी लिया। झूठ बोल रहा है। झूठ बोलता है? कैसे दिया आपको है? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, कपूर नहीं था यार, अबे नहीं था वो, एक वो जो यू टेढ़ी टोपी लगा के जो करता था, टेढ़ी कर लेता था टोपी जी। बहुत सारी घड़ियां लटकी होती हैं, तो वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि जी अब मेरी जरा घड़ी खराब हो गई, इसको दुरुस्त कर दे। कहले हम तो घड़ी सही नहीं करते, हम तो खतने का काम करते। तो उन्होंने कहा आप खतने का काम करते हैं तो घड़ियां क्यों लटकाई हैं? उन्होंने कहा फिर आप बता दे क्या लटकाए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। سحر عامر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور ناظرین قصیدہ بردہ شریف فضیلت تشریح اور علاج۔ کیوں بھی اوور ایکٹنگ کرتا ہے سالہ، اوور ایکٹنگ کی اولاد، تیرے کو برابر ہوتا نہیں کیا بولنے کو؟ چلے ایک کام کر، 200 روپے دے اور 50 روپے کٹ اوور ایکٹنگ کی وجہ۔ نہیں وہ ظاہر ہے نا کہ آپ جب میرا تصور کریں گی تو رات میں کیسے سو پائیں گی؟ آپ مجھ سے شادی کر لیں یا واقعی سیریس ہے؟ نہیں चोद दो, एक दो सर। अरे माँ चुदा पढ़ने। आम खाएगा, आम खाएगा, आम आम खाएगा, आम। ए भड़वे, हाँ खाओ। बहनचोद, तो ऋषि कपूर की कव्वाली में एक आदमी नहीं आया था, वो लग रहा है। कैसे बताओगे? क्या नहीं दिखाओगे? मैं भी तुम्हें भी बताऊंगा। चल नाजुक जरूरत तैयारी तो होती है। कौन मना कर रहा है आपको आने के लिए? अच्छा, और भाई बहन कोई भी नहीं? नहीं ना, कोई नहीं। मेरी ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश कहाँ से आ जाएंगे भाई? जी मेरी खूबसूरती का राज सनम का प्यार से देखना है। बाकी उल्लास में हो, ये देखिए। प्रोग्राम के दौरान मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, तबीयत पर गिरा गुजरी हो, तो मैं सिदके दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती या सहव, तो अपने रब के हुजूर माफ़ी का ख्वास्तगार और तौबा का तलबगार हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल इसी चैनल पर और इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।